भाई बता दो, आप बता दो, आप क्या बोलोगे भाई? आपका परिवार ने बिहार को चलाया है, वो तांडव था, क्या व्यवस्था बिहार के अंदर थी, लोग डरे थे, समय थे। देखिए हमारे नेता बराबर ही बात करते रहे, जब से 2005 के बाद जब से इन्होंने कमाल संभाला है, बिहार को नए तरीके से लेकर चलने का प्रयास किया है। बिहार कल के दिन हम लोग जाते थे, 2005 से पहले कहीं जाते थे, बिहार के नाम पर लोग चीखते थे, मुँह फेर लेते थे, अच्छा अपना व्यवहार नहीं देते थे हम लोगों के आगे। लेकिन आज नेता नीतीश कुमार जी का देने जब हम जाते हैं तो बिहार के नाम पर सम्मान मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है, क्योंकि उन्होंने काम करने का तौर तरीका काम किया है, कानून का पालन कराया है, कानून का पालन हुआ है बिहार के अंदर, जो आपने देखा है। आज जो बता रहे हैं आपके द्वारा जो बातें क्षण के समाज में जारी जाना भी चाहिए कि समय निश्चित तौर पर कोई भी कार्य अगर समय अनुसार नहीं होगा तो नुकसान होगा ही, तो अगर समय से होता है कुछ भी अगर मामला है उसमें समय अनुसार क्लियर हो जाता है तो बिहार के या देश के लिए वो फायदेमंद है। तो इसलिए इसका अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा तमाम लोगों से जो सरकार ने आदेश किया है सब लोग पालन करें और समय अनुसार काम करें, समय अनुसार क्लियरेंस मिलेगा तो समाज में अच्छा एक परिवर्तन होगा, समाज अच्छा स्वच्छ समाज बनेगा और खूबसूरत देश बनेगा। कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये सवाल उनका है तो सवाल उन्हें परिवार से पूछ सकते हैं, जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाकर चलाने का काम किया है, उनके 2005 से पहले उनके ही पिताजी का सरकार था, वो सरकार कैसा चला है शायद उधर अगर नज़र रखेंगे निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस होगी जिस तरह सरकार लोग चलाते थे। और 2005 के बाद जो सरकार हमारी चल रही है वो भी मेरे साथ रहे हैं, देखे हैं, वो खुद बोले हैं कि ये मेरे गार्जियन हैं, मैं सीखता हूँ और सीखना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे नेता से सीखना चाहिए। इन्होंने नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर कानून के साथ साथ विकास भी किया, कानून का पालन भी कराया, और जो असमायी तत्व थे, जो गड़बड़ लोग थे, वो बिहार से उनको बाहर भी किया। आपको याद होगा हम लोग छोटे थे, यंग बच्चे थे, पढ़ते थे, 2005 के पहले किस तरह ये बिहार सहमा हुआ था, डरा हुआ था, किसी भी कोई समाज का था निकलता था, डर लगा था। ये जो दिखाई दे रहा है पटना से लेकर पूरे बिहार में, जिधर नज़र दौड़ाइएगा छोटा काम बड़ा काम किसी और का नहीं, नीतीश कुमार जी का देने के विकास हो रहा है, हम लोग सीना चौड़ा करके देश के अंदर जाते हैं कहते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो न बताएं हंसी आती है कि जो अगर ये बात कहना है तो पिताजी से कहते कि पिताजी आप क्या कर रहे थे 2005 के पहले, बिहार कैसा था, आज ये बिहार कैसा, हमारा नाम उनका भी हो रहा है, बिहार रहने वाले वो भी लोग हैं, आज नीतीश कुमार चलते हर समाज हर जाति हर पार्टी के लोगों का नाम हो रहा है, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे नेता को निश्चित तौर पर हमारे नेता सीखना चाहिए, हमारे नेता को जो उन्होंने नेता के साथ काम उन्होंने भी किया है, नेता ने काम करने का तौर तरीका उनको भी सिखाया है, इसको अवगत कराना चाहिए फिर बिहार पूरे देश को, निश्चित तौर को मैं यही कहूँगा उनसे, क्योंकि वो तो विरासत पे आए और जिन्होंने उनके पिताजी माँ ने बिहार को चलाया, उस स्थिति को देखें आज देखें, निश्चित तौर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि नेता नीतीश कुमार सीखें, काम करें, जनता है जब जिसको जनता मौका देगी काम पर देती है, प्यार पर देती है, जात पार्टी जाति धर्म की ये सब बातें न करें लोग, निश्चित तौर पर और भी लोग जो हैं नीतीश कुमार जी से सीखें, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार को चलाने का काम किया आज देश चला रहे हैं, देश की बागडोर भी नीतीश कुमार जी के हाथों में है, और नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो हर समाज का इज्जत सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं और साथ ही साथ विकास की भी बात करते हैं, ये पहला नेता अव्वल नेता नीतीश कुमार जी हैं जो पूरे देश को चाहते हैं एक जगह होकर प्यार मोहब्बत से होकर संवैधानिक दायरे में होकर विकास भी हो और हर समाज का सम्मान भी हो, ये नीतीश कुमार जी चाहते हैं। इन्हें कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सांसद जी को, बड़े भाई सिन्हा जी को मैं दिल के गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग नेता को चाहने वाले हैं, नेता से प्यार करने वाले हैं, नेता के हर पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि नेता कभी भी अपने लिए कुछ काम नहीं किए हैं, अपने लिए कुछ करते भी नहीं हैं, जो भी किए हमारे सबके पूरे बिहार और देश के लिए काम करते हैं ये सब जानता है। ज़बरदस्ती कोई बात करे अलग बात है, जो ज़बरदस्ती बात करता है जिसका नाम लेते हैं विपक्ष का, मैं उस बात उनसे कहना चाहता हूँ, इस बात का चैलेंज करना चाहता हूँ कि बता दीजिए नीतीश कुमार जी में अगर एक कमी बता दीजिए उसमें राजनीति छोड़ दूंगा। और नीतीश कुमार जी, बहुत बड़ी बात यह है आज के युग में कि नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार समझकर सबका विकास करने का काम किया है। हर नेता को मौका मिलता है तो अपने बाल बच्चों की ओर जाता है, और इस नेता को जो मौका मिला है पूरे बिहार के सम्मान में खड़े रहे, हर जाति वर्ग धर्म का सम्मान किए और विकास किए। नीतीश कुमार जी आज जो कुछ ऐसे नेता हैं, हमें लगता है ऊपर वाला भी इनका मदद करता है। नीतीश कुमार जी जो संकल्पित हुए हैं, जो बात को देश के अंदर रखे हैं, उसको पूरा हुआ है।
गणना की बात थी, आपने देखा था ये भी लोग मजाक समझते थे, उन्होंने गणना भी करा कर दिखा दिया। आज बहुत दिनों से उनकी मांग है, निश्चित तौर पर ये भी मांग हम सबकी पूरी होगी नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नेताजी हमेशा नीतीश कुमार जी ने जब भी कोई फैसला लिया है बिहार के हित में लिया है, आज देश के हित में ले रहे हैं। इस बैठक में इस बातों पर चर्चा हुई, विशेष आज की चर्चा हुई, वो तो बराबर चर्चा करते रहते हैं, वो तो नहीं देखते क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, बराबर बिहार के फायदा की बात करते हैं, बिहार में रहने वाले तमाम समाज की बात करते हैं। ये नेता ऐसे नेता हैं देश के अंदर, कभी जात की बात नहीं की है, इन्होंने जमात की बात की है, ये नेता ऐसे नेता हैं आप भी जानते हैं, कभी मंच के द्वारा इन्होंने ये नहीं कहा है ये समाज में वोट नहीं देता है, सबका इन्होंने काम किया, सबका सम्मान किया। और इस बात का चैलेंज भी करूँगा आपके द्वारा कि जिधर भी नज़र जाती है बिहार के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष से, आँख खोल कर आप देख लो, जिधर भी नज़र जाती है वो विकास अगर हुआ है छोटा या बड़ा किसी और का देन नहीं, नीतीश कुमार जी का देन है, ये सब जानता है।